देखते हैं आज के जंग में क्या होता है। सुनो, तूने हमारे विष्णु को चैलेंज किया है ना, अब तो तू गई काम से। अब जाकर पता चलेगा कि कौन किसको मात देता है। उधर देखो, उसे देख रही हो ना? तुझे हराने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके सैनिकों की तरह पढ़ाई कर रहा है वो। 15 सालों से वो जो गुलामी की जिंदगी जी रहा है, उसे आजादी दिलाने के लिए आज हम सब एक हो गए हैं। कल से युद्ध प्रारंभ होगा। आफ्टर दिस एग्जाम विष्णु इस कॉलेज का हीरो होगा, तुम्हारे चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देगा। गेट रेडी टू फेस हिम, यू एंड योर ब्लडी अंकल। क्यों, मैंने जनगण मन गाया क्या जो इतनी साइलेंट खड़ी हो? डरो। हेलो, क्या हुआ, इतनी रात को कॉल किया तूने? क्या करूं मैं? हाँ ठीक है कर दूंगी। ये क्या है सर? क्वेश्चन पेपर बाद में, पहले आंसर शीट दीजिए। वो क्या है कि मेहनत से पढ़ाया ना, इसीलिए डरा हुआ हूं मैं थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो वही है ना? हाँ ठीक है। सर ये लीजिए। चलो दोस्तों, क्या हाल है सावरे? आंसर नहीं लिखेगा तो मर जाएगा क्या? ये आईएएस का एग्जाम नहीं है, चश्मेश का। देखना, मार्क्स देखकर प्रिंसिपल सदमे में चला जाएगा और तू इस कॉलेज का हीरो बन जाएगा। थैंक्स मेरे दोस्त, तूने मेरे लिए कितना रिस्क लिया है। क्वेश्चन पेपर तक लीक, कोई सुन लेगा? जरा धीरे बोल, धीरे से बोल। आज रात को मिलेंगे, तब डिटेल में बात करेंगे। चीयर्स। चीयर्स। सर हमने सही लिखा था फिर भी जीरो क्यों मिला? सर जो भी पूछना है प्रिंसिपल साहब से जाकर पूछो। ठीक है, हमने सही लिखा था तो हम क्यों डरेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। चलो। ये सब क्या है सर? करेक्ट आंसर लिखने के बाद भी हमें जीरो मार्क्स क्यों मिले? क्यों बच्चों, कैसे पढ़ के पहुंचे तुम लोग डिग्री तक? अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप किसी चोर से बात कर रहे हो। हमने ऐसा क्या किया है? अरे तुम लोगों ने तो खुद ही मान लिया कि तुम लोग चोर हो। अरे तुम लोगों ने क्वेश्चन पेपर चोरी की तो मैंने क्वेश्चन पेपर ही चेंज कर दिया और तुम लोगों ने वही आंसर लिखे। कम से कम चेक तो करना चाहिए था। कितने नासमझ और बेवकूफ हो गधे कहीं के। ये सब होने के बाद भी तुम लोगों को क्यों छोड़ रहा हूँ पता है? अगर बाहर जाओगे ना तो तुम लोग सोसाइटी को खराब करोगे। आई बात समझ में? निकलो गधे कहीं के। सुन। हाँ इधर आ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है ये प्लान तूने ही बनाया होगा। कॉल करके जरा अपने पेरेंट्स को बुला। तो सर प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, उनको पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे सर, प्लीज। निकल यहाँ से। एक बात समझ में नहीं आई, इनको पता कैसे चला? यही पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर।
तू तो कह रहा था कि तेरा दोस्त कॉलेज का हीरो बन जाएगा, ये अचानक बोलती क्यों बंद हो गई तुम लोगों की? अरे ये लोग तो बेचारे हैं, क्वेश्चन पेपर चुराया था या प्रिंसिपल को पता चल गया होगा? पता तो चलेगा ही ना, इसने कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में जरूर कुछ बेवकूफी की होगी। वैसे तुम्हारा प्लान काफी अच्छा था, लेकिन हमारा उससे भी अच्छा था। हेलो हेलो सुभा, कौन बात कर रहा है? मैं रूपा बोल रही हूँ। ये क्या, तुमने इस समय फोन क्यों किया? वो क्या है ना, आज कॉलेज में तुम्हारा हीरोइज्म देखकर। हीरोइज्म? लेकिन मैंने आज कॉलेज में किसी को मारा तो नहीं। अरे वो जिस तरह तुमने मेरी सहेली को वार्निंग दी थी ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तब उसकी शक्ल ना देखने लायक थी। लेकिन तू तो उसकी फ्रेंड है ना, उसे वार्निंग देने पर तू क्यों खुश हो रही है? तू भी उसे पसंद नहीं करती है क्या? पर क्या करूं, वो ना हमेशा मुझसे चिपकी रहती है। पता है वो मेरे साथ हमेशा रहती है ना, इसलिए मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पाती। हाँ मैंने भी ये बात कई बार नोटिस की है, तो मुझे चोरी चोरी चुपके चुपके देखती है। I miss you यार। ऐसा मत बोल, मैं वहाँ आ जाऊँ क्या? तुम बहुत रोमांटिक हो ना। सच में क्या? अच्छा एक बात बताओ, ये अचानक तुमने उसे वार्निंग क्यों दे दी? हाँ बचपन से मुझे और विष्णु को बहुत टॉर्चर किया है उसने, कल हमारा सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। वो कैसे? वेदा तो विष्णु से ज्यादा पढ़ाई करती है ना। अरे पढ़ने दे, हमने क्वेश्चन पेपर ही चुरा लिया है। अच्छा सुनो, आज कल जल्दी आ जाना, पौधों को पानी भी डालना है। क्या हुआ, तुझे क्या लगा था मैं तुझसे प्यार करती हूँ? शक्ल देखिए अपनी। चल। उसने मुझे बेवकूफ बनाया है, अब तो उसे हर हाल में झेलना ही पड़ेगा। हमें कुछ भी करके उसे सबक सिखाना चाहिए। मुझे बस एक मौका दे, देख उसे कैसे डर का एहसास कराता हूँ। तू इस बार सीरियसली करना चाहता है ना? अरे तेरी कसम यार। मेरी कसम? अरे सीरियसली बोल रहा हूँ यार। ऐसी बात है तो फिर अभी मेरे घर चल। अपने घर ले जाने के बजाय थोड़ा सा जहर लाके दे दे मुझे, तेरे राक्षस बाप से तो कम कड़वा होगा। अरे जब पापा घर में होते हैं तो मैं घर जाता ही नहीं, मम्मी पापा बाहर हैं, सुबह घर आएंगे। अरे तो इतना दुखी होके क्यों बोल रहा है? चल घर चल के उसका गला दबा देते हैं। आजा, चलो आज उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू देखता रह जाएगा। भाई उसको ऐसा सबक सिखाना कि कल पूरा कॉलेज ना उसी के बारे में बात करे। हां यार एक मिनट रुक, ये कार तो प्रिंसिपल साहब की लग रही है। 5449 ये प्रिंसिपल की कार लग नहीं रही है, प्रिंसिपल अच्छा? की है। हाँ प्रिंसिपल तो इस एरिया में रहता नहीं है, फिर कार यहाँ क्यों पार्क कर रखी है? कुछ तो गड़बड़ है, ये मैं पता लगाऊंगा। तुम लोग जरा यहीं रुको। कहाँ जा रहा है तू? ओहो तो ये सेटिंग चल रही है यहाँ पे। हे इधर आ, इधर आ। ये देख क्या हुआ, देख 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 क्या हुआ, देख 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 देख। क्यों रे सही है ना, रोमांस सही चल रहा है ना? अच्छा है तेरी तो, हमारे देखने से क्या होगा, मोबाइल में शूट करके उसे दिखाएंगे तो मनचाह माल मिलेगा। तो बढ़िया चल रहा है, निकाल जल्दी। अरे यार काम बनने ही वाला था कि उसने लाइट बंद कर दी। अब क्या करेंगे यार? यार कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्या करें क्या करें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार। आइडिया। हाँ थोड़ी तो रेस्पेक्ट देनी चाहिए सीनियर्स को देखकर। सही है। चल है। क्या रे तू अपने आप को बहुत शानी समझती है क्या है? सब कुछ है तेरे पास, पढ़ाई खूबसूरती टैलेंट सब कुछ है तेरे पास, बस भेड़े की बत्ती बुझी हुई है। आज वही बत्ती जलाने आया हूँ मैं। इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, तू शक्ल बना के देख रही है मुझे? है तुझे चाकू से नहीं बल्कि डंडे से मार डालूंगा तुझे। तो पता चलेगा तो मुझे मार डालेंगे। ये हमारे सर पे तांडव करती है तेरे बाप की वजह से, और तू चुपचाप देखता रहता है। बस तेरा बाप हर समय हमें डराता रहता है, हमारी हालत कुत्तों की तरह बना रखी है उसने।
हम स्कूल जाते थे तो घर से ही घूर घूर कर हमें डराता रहता था तेरा वो हिटलर बाप। आज उसको और इसको दोनों को सिखा दूंगा कि रिस्पेक्ट क्या होती है। मत रोक मुझे, मैं दोनों को। चुप हो जाना यार, मम्मी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। चुप हो जाना प्लीज प्लीज यार, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यार इतनी सीधी शादी है, अगर उनसे दूध मांगो तो बेचारी खीर बना के खिलाती है हम लोगों को। बस तेरे बाप ने तेरी माँ को काम वाली और तुझे नौकर बनाकर रखा हुआ है। छोड़ो नहीं मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो।